एक ओर जहां हल्द्वानी शहर में बढ़ती गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं आज हम आपके लिए एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो आपको बढ़ती गर्मी से राहत दिलाएगी। आज हम आपको एक ऐसे टूरिस्ट स्पॉट के बारे में बताने जा रहे हैं जो हल्द्वानी से करीब 8 किलोमीटर दूर है। यह टूरिस्ट स्पॉट भीमताल रोड अमृतपुर गाँव पर स्थित है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमृतपुर गाँव, जो अब धीरे धीरे टूरिस्ट स्पॉट के नाम से जाना जाता है। अमृतपुर में कोला नदी बहती है, जहां गर्मियों में खूब पानी बहता है और गर्मियों में नदी में नहाने के लिए यहां लोग दूर दूर से आया करते हैं। अमृतपुर में पहले बहुत कम लोग आया करते थे, लेकिन देखते ही देखते अमृतपुर टूरिस्ट स्पॉट बन गया। यहां आज हजारों की संख्या में लोग घूमने आया करते हैं। अमृतपुर गाँव की खूबसूरती में चार चांद कोला नदी लगा रही है, जिससे वहाँ की सुंदरता और बढ़ जाती है और अमृतपुर में टूरिस्ट स्पॉट बनने से गाँव वालों का स्वरोजगार भी बड़ा है। साथ ही अमृतपुर में घूमने आए लोगों ने बताया कि शहरों की ओर भीषण गर्मी है और पहाड़ों के बीच एक सुंदर अमृतपुर गांव में आकर उन्हें बहुत आनंद आया और ऐसा लग रहा है कि अब यहां से वापस न लौटें, यही रहें, क्योंकि यहां का वातावरण, यहां की सुंदरता बहुत निराली है, जो हमें काफी पसंद आए। अगर आप भी अमृतपुर गाँव में आना चाहते हैं तो आपको बता दें कि अमृतपुर गाँव हल्द्वानी से 8 किलोमीटर दूर भीमताल रोड पर स्थित है। आगे सुनते हैं यहाँ के पर्यटक और स्थानीय लोग क्या कुछ कहते हैं। जी, मुझे एक्चुअली पता नहीं था, हम तो नैनीताल का बहुत सुना है बचपन से ही कि नैनीताल की जगह है, वहाँ तल है, काफ़ी वादियाँ अच्छी हैं, सुंदर है, बर्फ़ भी पड़ती है। तो फिर मैंने नेट में सर्च किया थोड़ा कि मई जून जुलाई का मौसम अच्छा होता है, तो फिर हम मेरे दोस्त मित्र जो रुद्रपुर में काम करते हैं, तो उनसे मुलाकात हुई, बोले कि चलो चलते हैं हम लोग नैनीताल घूमने चलते हैं, अच्छा लगेगा। तो हम लोग नैनीताल से कल ही वापस आए हैं, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर झरना है बहुत सुंदर एक, कि पहले हम भीमताल जा रहे थे, तो हमने डिसाइड किया कि भीमताल तो वही नैनीताल वही भीमताल, तो नया क्या मिलेगा। तो बोले यहाँ एक झरना है बहुत सुंदर, हम लोग दोस्त यार यहाँ आते हैं वीकेंड में, तो वहाँ चलिए। तो आप मानेंगे हम यहाँ 12 बजे आए हैं, 4-5 बच्चे हो गए, हमारा मन ही नहीं कर रहा वापस जाएँ, इतना सुंदर है। सबसे अच्छी बात है यहाँ साफ़ सफाई बहुत है, लोग अच्छे हैं काफ़ी, यहाँ कोई ज़्यादा हल्ला नहीं है, फैमिली यहाँ इंजॉय कर रही है, जैसे लोग आते हैं लड़के आते हैं छेड़ा खानी यहाँ कुछ नहीं लगा ऐसे, यहाँ के लोगों का नेचर भी बहुत अच्छा लगा, तो ये मुझे सबसे बेस्ट पार्ट लगा यहाँ का। जी हाँ बिल्कुल, मैं जरूर चाहूँगी सरकार यहाँ पर और नई चीज़ें बनाएँ, जैसे खाने पीने के लिए शौचालय बने बहुत जरूरी हैं, जैसे लेडीज यहाँ नहा रही हैं, यहाँ कुछ प्रॉपर सेटअप नहीं है जो बहुत ज़रूरी है मेरे हिसाब से, तो ये चीज़ें सरकार जरूर ध्यान दे। और आगे तो लोगों का भी बहुत मेन महत्व है कि लोग इस चीज़ को मेंटेन रखें, कि लोग अगर अच्छा रखेंगे साफ सफाई रखेंगे तो हम बार बार आएंगे। अब मैं चंडीगढ़ से आया हूँ, तो मैं अगर अपनी फैमिली को लेकर आना चाहूँ तो यहाँ अगर मेरे माहौल लगा तो मेरा जो मैं अगले महीने फिर आ रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया हुआ है। तो यही मेरा कहना है लोगों से कि साफ सफाई रखें, अच्छा रखेंगे सरकार भी अच्छा रखेगी आपको, सब बढ़िया रखेंगे, साथ मिलकर चलेंगे तो नेचर तो फिर भगवान देता है, फिर अच्छा रहेगा। और क्या पंचायत अमृतपुर के अंदर ये है, ये गोला नदी में यहाँ पर हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं नहाने के लिए, अनिवार्य वीकेंड शनिवार और इतवार को यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है, यहाँ पर लगभग 2000 के आसपास एक दिन में लोग आते हैं, गाड़ियाँ भी आती हैं, इससे यहाँ पर अन्य स्कोप भी हो सकता है पर्यटन के क्षेत्र में, यहाँ के दुकानदारों को इनकी भी अच्छी खासी यहाँ पर इनकम होती है। लेकिन उत्तराखंड के हल्द्वानी से न्यूज़ 18 लोकल के लिए पवन सिंह कुंवर की रिपोर्ट।